सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रास अल्बर्ट। तो गाइज आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 5 WWE के ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जिन्हें आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि WWE के अंदर WWE चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये काम किया भी और उन्होंने पूरे WWE यूनिवर्स को शॉक भी कर दिया था। नंबर 5 पे आते हैं जिंदर मॉल का नाम। तो कई जिंदर मॉल जो कि पहले WWE के अंदर द ग्रेट खली के साथ आया करते थे और वो एक जॉबर्स ही थे, लेकिन गाइस 2017 में जब उनका मैच हुआ था रैंडी ऑर्टन के साथ ब्लैकलिस्ट में WWE चैंपियनशिप के लिए, तब उस मैच में जिंदर मॉल ने हरा दिया था 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन को भी और वहाँ पर वो बन गए थे न्यू WWE चैंपियन भी। और उसके बाद तो पूरा WWE के यूनिवर्स शॉक भी हो चुका था। और उसके बाद गाइस बात करें तो जिंदर मॉल काफ़ी बड़े सुपरस्टार भी बन गए थे। नंबर 4 पर आते हैं WWE का बॉस विंस मैकमैन। सो विंस मैकमैन जो कि WWE का ऑनर है, किसी ने भी नहीं सोचा कि WWE के अंदर WWE चैंपियनशिप भी कभी जीतेंगे, लेकिन उन्होंने ये काम किया था 1999 में जब उन्होंने जीत ली थी WWE चैंपियनशिप भी। अगर जितना ही नहीं, उन्होंने 2007 में WWE के अंदर ECW चैंपियनशिप भी जीती थी। नंबर 3 पे आते हैं जैक स्वैगर। तो गाइस जैक स्वैगर जो कि अभी ECW के अंदर रेसल किया करते हैं, अगर जब उन्होंने अपने WWE के अंदर डेब्यू किया तो उसके बाद तो एक अच्छे रेसलर थे और उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी 2010 में, लेकिन बात करें फिर धीरे धीरे तो एक जॉबर्स ही बनते गए। और जब वो WWE से जा रहे थे, जब उनके कैरियर का लास्ट मोमेंट बचा हुआ था WWE के अंदर, तब तो एक बड़े वाले जॉबर्स भी बन चुके थे। लेकिन उन्होंने भी WWE के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, जो कि उन्होंने मनी इन द बैंक कैश इन करके जीता था अगेंस्ट क्रिस जेरिको। नंबर 2 पे आते हैं ड्रू मैकइंटायर। तो क्या ड्रू मैकइंटायर जो कि पहले 3MB के साथ एक टैग टीम में काम किया करते थे और वो भी पहले जॉबर्स वाला ही काम किया करते थे और उन्हें एक बार WWE से रिलीज भी कर दिया गया था, लेकिन गाइस उन्होंने अपना एक कमबैक भी किया 2017 में और गाइस उन्होंने रसोविना 36 में फाइनली ब्रॉक लेजनर को हरा के बने न्यू WWE चैंपियन भी। और गाइस फैंस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते ने लगे थे ड्रू मैकइंटायर को भी 2020 में ही, अगेज उनका फैंस का सपोर्ट का यहाँ पे बेनिफिट मिला ड्रू मैकइंटायर को और उन्होंने हरा दिया ब्रॉक लेजनर को रसोमिनिया 36 के अंदर। नंबर 1 पर आते हैं कॉफी किंगस्टन। तो कॉफी किंगस्टन जो कि WWE के अंदर कोई बड़े सुपरस्टार तो नहीं थे और वो काफ़ी समय से एक टैग टीम में काम भी किया करते थे और काफ़ी पहले से WWE के अंदर रेसल भी कर रहे हैं, लेकिन 2019 के रसोमिनिया पे मौका मिला कॉफी किंगस्टन को WWE चैंपियनशिप के अगेंस्ट डैनियल ब्रायन। अगर उस मैच में किसी ने भी नहीं सोचा था कि डैनियल ब्रायन को हरा के कॉफी किंगस्टन बन जाएंगे WWE चैंपियन भी, हालांकि सारे फैंस ने सपोर्ट तो करते ही थे, लेकिन डैनियल ब्रायन को हराना काफ़ी मुश्किल काम भी था, लेकिन कॉफी किंगस्टन ने वो काम किया वहाँ पे और वो बन गए थे न्यू WWE चैंपियन भी। अरे कहीं WWE के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट भी था कॉफी किंगस्टन के लिए उस समय। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करते हुए जाइएगा।